बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके करियर की शुरुआत तो बहुत धमाकेदार हुई, लेकिन उसके बाद वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। और इसी में एक नाम जो शामिल होता है वो है बॉलीवुड एक्टर आफताब शिवदसानी का, जिन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत तो अपने बचपन से ही कर ली थी और उसी समय से उन्हें काफी टैलेंटेड भी माना गया था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एज ए हीरो बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली तो कुछ फिल्मों के लिए तो उन्हें काफी अच्छा क्रेडिट मिला, लेकिन धीरे धीरे आफताब की चमक फीकी पड़ने लगी। बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद आफताब ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी एक्टिंग की वजह से इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया, लेकिन अब आफताब लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। हालांकि उनका स्टारडम आज भी पहले जैसा ही है। स्टारडम से यहाँ पर हमारा मतलब है कि आफताब के चाहने वाले आज भी लाखों में हैं, जो उन्हें आज भी उतना ही सपोर्ट करते हैं। और साथ ही आफताब का लाइफस्टाइल भी काफी लेविश है। जब आफताब सिर्फ 14 साल के थे तब उन्हें बेबी फूड के एक ब्रांड ने सिलेक्ट किया था। इसके बाद आफताब कई एड फिल्म्स में नजर आए। आफताब अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया में भी नजर आए थे। उन्होंने फिल्म शहंशाह में अमिताभ के बचपन का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने अव्वल नंबर, चालबाज और इंसानियत जैसी बेहद सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया। उन्होंने साल 1999 में सिर्फ 19 साल की उम्र में राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त से बॉलीवुड में एज अ हीरो एंट्री ली। इस फिल्म में उनके साथ उर्मिला मातोंडकर ने काम किया था। ये फिल्म सुपर हिट हुई थी। इसके बाद उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू और मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर जैसे कई अवार्ड्स भी मिले थे। आफताब ने कई एडल्ट फिल्म्स में भी काम किया था, जिनमें मस्ती, ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी शामिल है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आफताब की चमक कम होने लगी। इसके बाद साल 2014 में उन्होंने मेनन दुसांज से शादी कर ली। इस कपल की एक बेटी भी है। आफताब का फिल्मी करियर अब कुछ खास नहीं है, लेकिन वो आज भी रॉयल लाइफ जीते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आफताब प्रोडक्शन हाउस और दूसरे इवेंट्स के जरिए सालाना 3 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं और उनकी संपत्ति 51 करोड़ के करीब है। इसके अलावा मुंबई में उनका खुद का एक आलीशान अपार्टमेंट है। आफताब को गाड़ियों का भी काफी शौक है। एक वेबसाइट के मुताबिक आफताब के पास ऑडी RS5 जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है और BMW X6 जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ है आफताब की फेवरेट गाड़ियां हैं और उनके पास हैं। बॉलीवुड 2 मिनट्स की रिपोर्ट।